22 जनवरी को होगी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ऋतुराज कॉलोनी में घर एवं मंदिर की दीवार पर जय जय सियाराम भगवा ध्वज बना रहे रहवासी। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर में कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एवं मंदसौर की बात करें तो मंदसौर में भी सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जा रही है। मंदसौर वार्ड क्रमांक 4 ऋतुराज कॉलोनी में महिलाओं एवं क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह का माहौल है। एवं बताया कि घरों के बाहर सजावट एवं विद्युत सज्जा और जय जय सियाराम एवं भगवा रंग ध्वज की पेंटिंग कर रहे हैं। एवं बताया कि 22 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग एवं महिलाओं में काफी उत्साह 22 जनवरी को लेकर दिख रहा है। जय जय सियाराम के नारे के साथ इस तरह की पेंटिंग हर दीवार एवं मंदिर की दीवार पर बनाई जा रही है। इसमें महिलाएं एवं पुरुष भी शामिल हैं पेंटिंग बनाने में। और बताया कि रोज शाम को भी प्रभात फेरी रोजाना निकाली जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जगह जगह पर भव्य रंगोली भी बनाई जा रही है। हम सभी लोग मिलकर 22 जनवरी को भी दीपावली मनाएंगे और आतिशबाजी करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि मंदसौर शहर सहित जिले भर में सभी मंदिरों एवं शासकीय बिल्डिंगों पर भी विद्युत साज हो चुकी है। और क्या कहना है, माहौल बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति में उत्साह है और बच्चे बच्ची में उत्साह है। 22 तारीख को रामलला जो पधार रहे हैं उनकी तैयारी में सब बच्चा बच्चा लगा हुआ है। प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक हर जगह, पूरे नगर में, हर मंदिर के आसपास और हर घर के बाहर और घर के ऊपर झंडा लगा रहे हैं और घर के पास में स्टिकर लगवा रहे हैं और बिल्कुल शानदार, सबको मज़ा आ रहा है और सबको अच्छा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्या कहना है? हम रामलला अयोध्या में प्रवेश करने जा रहे हैं, उस खुशी में हम शाम सुबह प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और घरों घर दीवालों पे जय श्री राम लिखवा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमेशा तो हम एक बार ही दीपावली मनाते हैं और अब चाहते हैं कि हम दो दो हर एक साल में दो बार दीपावली मनाएं। और इस साल से ही हमारी यही तैयारियां रहेगी और 22 तारीख को हम दीपक लगाकर दिवाली मनाएंगे। मन में कल्पना करी थी कि आपने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या लगता है आपको? सोचा था आपने कभी? नहीं सोचा था। उत्साह है अब? बिल्कुल, बहुत। ठीक है, नाम क्या आपका? पूजा शिल्पी। बहुत अच्छा उत्सव है और हम महिलाएं सुबह जल्दी उठकर प्रभा फेरी भी निकाल रहे हैं, संध्या को शाम को भी निकाल रहे हैं, सुबह भी निकाल रहे हैं और अभी घरों के ऊपर जय श्री राम लिखवा के। और अच्छा महसूस। 22 जनवरी को किस तरह से उत्साह बनाएंगे आप लोग? बहुत उत्सव, अच्छा उत्सव मनाएंगे और सुंदरकांड का पाठ भी कर रख रहे हैं हम वार्ड क्रमांक 4 में ऋतुराज कॉलोनी में। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या आए और अच्छा माहौल। क्या नाम आपका? अनिता सत्यनारायण मामी। धन्यवाद। 22 जनवरी को लेकर क्या कहना है? भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम के नव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जबरदस्त तैयारियां चल रही है। प्रातः काल प्रभात फेरियां निकल रही है। प्रत्येक कॉलोनी से बड़ी संख्या में भक्तजन, श्रद्धालुजन, माताएं, बहनें और बच्चे सभी प्रभात फेरी में आ रहे हैं और घरों को सजाने का ये एक अनुपम कार्य ऋतुराज कॉलोनी वार्ड नंबर 4 सभी यहाँ के रहवासी दीपावली से भी अधिक उत्साह और उमंग। इस वर्ष ये दूसरी दीपावली है, इस वर्ष ये सौभाग्य है कि दो दिवाली हम लोग मना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप लोग दीवालों के बाहर? घरों के ऊपर भगवा ध्वज और जय श्री राम ऐसा फरमे से सभी मकानों के बाहर लिख रहे हैं। धन्यवाद।